हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज बात करने वाले हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। आज हम बात करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, जिसको पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, अगर आपको हमारे पास से स्टडी करनी है, अगर आपको नोट्स हमारे पास से चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको जाकर के हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे रेड कलर का बटन आपको दिखेगा, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। उसके बाद फिर इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके जो हमारा बीकॉम का प्लान है 119 पर मंथ का, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसा कि आप ट्यूशंस करते हो, वैसा ही हमारा ये मेंबरशिप प्लान भी है, जहां पे आपको एक तरीके से ये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा 24/7, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के इसमें मैंने प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पे देखो एक व्हाट्सएप का लिंक है, जैसे ही आप ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप लिंक के साथ जुड़ सकते हैं। आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको नोट्स जो है 40% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो ऑन डिमांड लेक्चर्स भी आप करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझसे उस बारे में बात कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मेंबर्स को हमेशा ही प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँ कि जो इग्नू बीकॉम न्यू जो प्लेलिस्ट है हमारा, आपको हमेशा जब भी स्टडी करनी है आपको हमारे प्लेलिस्ट में आना है। ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा कॉमर्स की पाठशाला में। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। इग्नू एम कॉम, इग्नू बी कॉम न्यू, इग्नू बी कॉम, तो बी कॉम न्यू में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईबीओ आई मीन बीसीओसी 131 से लेकर के फर्स्ट ईयर का जो है, प्लस सेकंड ईयर, प्लस थर्ड ईयर, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसके अंदर ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए, जो की होने वाला है हमारा डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल एग्रीमेंट। तो चलिए फिर देख लेते हैं। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली लीगल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो लीगल एक तरीके से नहीं होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल हों, सॉरी, ठीक है ना। तो ये इलीगल की बात की जा रही है, क्योंकि सारे जो देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से मुझे सबसे पहले ये आपको बता देना चाहिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो लीगैलिटीज होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, है ना, उसमें कुछ कुछ चीजें उसमें मिसिंग है, कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसमें मिसिंग है ना। तो ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। सारे के सारे जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे जो है इलीगल ही होते हैं, लेकिन सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होंगे। वॉइड का मतलब है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एग्रीमेंट एक्चुअली में एग्रीमेंट है ही नहीं, है ना, वो कैंसल्ड है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जितने भी वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हो, लेकिन सारे के सारे इलीगल जो एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड जरूर होंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कोलैटरल ट्रांजैक्शंस टू अ वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट अफेक्टेड, दे डू नॉट बिकम वॉइड, है ना। जो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं मतलब जिसका असर दोनों तरफ पड़ता हो, है ना, कोलैटरल डैमेज आपने सुना होगा, जिसका असर दोनों तरफ पड़ता हो, अगर वो जो है ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं किसी किसी वॉइड एग्रीमेंट में, तो उनके ऊपर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता, वो चीजें जो है वॉइड नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट भले ही वॉइड हो, लेकिन जो ट्रांजेक्शन हो रही है यहाँ पे, तो दोनों पार्टी इन्वॉल्व है, राइट, मतलब दोनों पार्टी का अपना अपना इंटरेस्ट है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम एक तरीके से वॉइड नहीं बोल सकते हैं, या इसको एक तरीके से गलत हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट पक्का वॉइड होगा अगर उसमें किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट चीज की मिसिंग उसमें होती है। तो कोलैटरल ट्रांजेक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट आर ऑल्सो अफेक्टेड, दे ऑल्सो बिकम वॉइड। तो कोई ट्रांजेक्शन सपोज किसी इलीगल एग्रीमेंट में हो रहा है, कोई लीगल ही कोई एग्रीमेंट ही इलीगल है, अब उसमें किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन भी हो रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन भी क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, है ना। तो ये आपको समझना होगा, दो चीज है, वॉइड एग्रीमेंट जहां पे एग्रीमेंट है ही नहीं, एग्रीमेंट है मतलब है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग है, लेकिन फिर भी अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो उसको हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोलैटरल हो रहा है, दोनों को उससे फायदा पहुंच रहा है, दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन कोई चीज अगर इलीगल है, उसमें ट्रांजेक्शन भले ही हो, कितने करोड़ों का ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो इलीगल कहलाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है, कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है, और वो जो है वॉइड बन जाता है। थर्ड पॉइंट इज, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड सब्सिक्वेंटली द बेनिफिट रिसीव्स हैज टू बी रिस्टोर्ड टू द अदर पार्टी।
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट समय के साथ वॉइड बन जाता है, सब्सिक्वेंटली पता चलता है कि भाई ये तो वॉइड है, तो जो भी बेनिफिट रिसीव किया गया है उसको आपको रिस्टोर करना पड़ेगा अदर पार्टी के साथ। सपोज ए ने बी के साथ किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके तहत ए ने बहुत सारे पैसे जो है बी को दिए हैं। आगे जाकर के पता चलता है कि जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सही नहीं है, तो उस केस में बी को सारे के सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे ए को। आप समझ रहे हो, रीस्टोर करना पड़ेगा उस पार्टी का जो इंटरेस्ट है, उस पार्टी का जो सिचुएशन है उसमें। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट में द मनी एडवांस और थिंग गिवन कैन नॉट बी क्लेम्ड बैक। लेकिन कोई चीज अगर इलीगल है, समझ रहे हो, सपोज ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ जो कि इलीगल है, उसमें ए ने बी को पैसे दिए, तो बी मना कर सकता है कि ठीक है मैं तुम्हें वापस पैसे नहीं दूंगा क्योंकि हमारा एग्रीमेंट इलीगल था और तुम इस बारे में किसी से क्लेम भी नहीं कर सकते, कुछ डैमेज आप क्लेम कर ही नहीं सकते, है ना। आप समझ रहे हो, तो यहाँ पे इस तरह की चीज होती है। ये एक्चुअली रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जब आप एग्रीमेंट करोगे अपने दोस्तों के साथ किसी भी तरह का, नॉर्मल भी अगर एग्रीमेंट होगा तो वहां पे सपोज कुछ सर्टन कंडीशंस अगर चेंज हो गई, कुछ सर्टन कंडीशंस अगर आपने नहीं बताई है, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, चाहे वो एक तरीके से माउथ टू माउथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो इलीगल होता है, वो वॉइड हो जाता है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। तीन ही पॉइंट थे, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, थैंक यू।